सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज थोड़ा जोश ज़्यादा लग रहा है क्योंकि चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है फाइनली, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी जा रहा है कुछ काम से हम थोड़ा मेट्रो स्टेशन की तरफ, वहाँ से गुड़गांव जाना है और वहाँ से थोड़ा इंटरव्यू देखिएगा आज क्या होता है। सो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। वैसे आजकल मेरा व्यूज़ थोड़ा कम आ रहा है, लाइक पहले तो 5 मिनट आ जाता था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ व्यूज़ डाउन हुआ है लेकिन अभी भी जोश पूरा है, तो आगे इम्प्रूव करता रहेगा। You guys keep supporting and now let's go and let's start our vlog for today. चलता है डायरेक्टली मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो गाइस यहाँ से हम जा रहे हैं अभी मेट्रो स्टेशन की तरफ और ये इस एरिया को हम लोग बोलता है कैनॉट प्लेस। यहाँ से पूरा कैनॉट प्लेस का एरिया स्टार्ट हो जाता है, सामने में दिख रहा होगा हाई स्ट्रीट कैनॉट प्लेस। सो ये पूरा एरिया है, ये पूरा कैनॉट प्लेस का ही है राजीव चौक। सो यहाँ में आपको बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड्स का शोरूम मिल जाएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर तरह का शोरूम मिल जाएगा। हमें लाइन करके पूरा सर्कल बनाया गया इस बिल्डिंग को, चारों तरफ से पूरा राउंडेड है ये। सामने आपको दिख रहा होगा इस तरह का बिल्डिंग करके दिखाया गया। सो इस तरह का पूरा हमें एरिया है बेसिकली, यहाँ में लाइक अमीर लोग बैठता है ज़्यादा। सो वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेस ऑफ दिल्ली। और अब नीचे की तरफ जा रहा है मेट्रो स्टेशन की तरफ। सो ये है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, अभी दिख रहा होगा आपको। अभी अंडरग्राउंड जाएंगे हम, और आज वैसे भी मेरा इंटरव्यू है गुड़गांव में, तो जाके देखते हैं फ्लो में इंटरव्यू देगा आज हम भी। तो चलो चलते हैं अंडरग्राउंड की तरफ। एंड ये रहा यहाँ से एंट्रेंस राजीव चौक का, सामने में दिख गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ में हमारा सिक्योरिटी चेक होगा और उसके बाद हम आ गए अंदर की तरफ। सो यहाँ से अभी नीचे जाएगा, फिर से नीचे जाने वाला है क्योंकि एक और सर्वे हमको येलो लाइन में जाना पड़ेगा इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ और ये दिख रहा है आप क्राउड कितना ज़्यादा है। सो अभी जा रहा है मेट्रो में। नाउ यू गाइस एंजॉय द व्यू। Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? If you're all that you, I had you come. तो गाइस फाइनली हम पहुंच गया है MG रोड गुड़गांव, और यहां से मुझे जाना है उद्योग बिहार फेस 1 सेक्टर 20। सो थोड़ा दूर है लेकिन यहां से चला जाएगा, थोड़ा दूर वॉक करने के बाद वहां से ऑटो लेकर हम चला जाएगा। सो चलता है अभी डायरेक्टली उद्योग बिहार की तरफ और यहां से अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो ये है हमारा MG रोड गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन और अभी हम चलते हैं डायरेक्ट आगे की तरफ। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ में आके MG रोड गुड़गांव। ये जगह वैसे में बहुत अच्छा है, यहाँ में आसपास मैक्सिमम सिर्फ कंपनी ही कंपनी, चारों तरफ लेफ्ट राइट सब जगह बिल्डिंग से भरा है, कंपनी से भरा है। सो मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। नाउ चलता है आगे की तरफ और देखता है आगे में क्या होने वाला है। लेट्स गो। Wait a thousand days, you never wait for me, you never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see, you're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. तो गाइस ये वो जगह जहाँ पे हम इंटरव्यू देने के लिए आया था, और आप देख सकते हैं यहाँ में और भी बहुत सारे लोग आए हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन अराउंड 30-40 है कैंडिडेट। और हम मेरे साथ मेरा फ्रेंड को भी लेकर आया है, प्रियांशु भी मेरे साथ इंटरव्यू देगा आज, हम दोनों इंटरव्यू देगा एंड फ्लो में देगा बाहर निकलेगा। सो अभी हम लोग मेरा टर्न के लिए वेट कर रहे हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके बाद इंटरव्यू देने निकलते हैं, उसके बाद बताता आगे का सीन क्या हुआ था। 2000 years later. बेसिकली गाइस हम यहाँ में आया था DLF साइबर सिटी सेक्टर 20 एक्चुअली इंटरव्यू देने के लिए आया था हम आज में। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली आज में हम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, लेकिन जानते रिजेक्ट होने के बाद हमको इतना खुशी लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है भाई, मतलब टेंशन ही नहीं है कि रिजेक्ट हुआ,
और जानता रिजेक्ट किस लिए हुआ था, रिजेक्ट होने का रीज़न मेरा ये नहीं था कि कंडीशन खराब गया या इंटरव्यू खराब गया, टाइमिंग का बस हम पर रिजेक्ट कर दिया। बता रहा एक्चुअली हुआ क्या था मेरा इंटरव्यू, हमको तो बहुत मज़ा आया इंटरव्यू देखे, लेकिन लाइक इंटरव्यू देने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस ना बढ़ गया और मज़ा आ गया, एटीट्यूड बढ़ गया। एनीवे लाइक मेरा दो राउंड हुआ था एचआर के साथ, सबसे पहला राउंड में वो हमको पूछा था अपने बारे में बताओ, तो मैंने बता दिया। तो लाइक जब हम बताया कि हम लाइक हम फ्रॉम नागालैंड ना, तो बोला कि नागालैंड से, हाँ हम नागालैंड से। तो उसके बाद वो लाइक बोला कि नागालैंड के बारे में हिंदी में बताओ, तो हम हिंदी में बता दिया उसको। एंड देन बोला कि सैलरी इतना देगा, लाइक वो हमको बोला कि 75 सैलरी देगा, तो इसमें कंफर्टेबल है। हम बोला कि सर हो जाएगा जैसे तैसे ना। तो फिर बोला कि तुम रहता कहाँ पर है, तो हम बोला कि अभी हम दिल्ली में रह रहा है। तो लाइक वो सोचने लगा दिल्ली में वो रह रहा है और गुड़गांव में आएगा इंटरव्यू आई मीन जॉब के लिए, दिल्ली से गुड़गांव आने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग जाएगा अगर मेट्रो से आया तो, और अगर गाड़ी से आया तो 2 घंटा लग जाएगा। तो सोच में पड़ गया वो भी। तो वो हमको पूछा कि लाइक आर यू कम्फर्टेबल विद टाइमिंग, तो हम बोला कि सर हमें तो लाइक थोड़ा सोच के बोला कि ठीक है हो जाएगा क्या है ना कर लेंगे। वो बोला कि ठीक है नेक्स्ट राउंड के लिए तुमको भेजते हैं ना, तो उनको सेलेक्ट हो गया फर्स्ट राउंड में। तो सेकेंड राउंड में इंटरव्यू हुआ, तो सेकेंड राउंड में भी लाइक हमको पूछा कि अपना बारे में बताओ, तो हम लाइक हम धराधर पूरा एडवांस में बोल दिया। तो फिर वो भी हमको ये पूछा कि तुम कहाँ से, हम बोला कि दिमापुर से, दिमापुर कहाँ पर हो, बोला हम नागालैंड में। तो लाइक इसके बाद वो हमको एक्सप्लेनेशन मांगा कि नागालैंड के बारे में बताओ ना, तो हम नागालैंड के बारे में बताया। और वो पूछा कि नागालैंड का दो सबसे बेस्ट चीज़ बताओ, तो हम बता दिया वहाँ का एक जुको वैली है जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एंड सेकेंड है वहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो उसके बारे में बताया। तो वो बताया कि हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बताओ थोड़ा बहुत, हम बता दिया सर। तो बोला ये सब कुछ इंग्लिश में बताया, मेरा इंटरव्यू पूरा सही जा रहा था, मस्त हम पूरा सलग हो गया। तो बाद में वो बोला कि तुम नागालैंड से दिमापुर आई मीन दिल्ली आया इंटरव्यू देने के लिए, बोला हाँ। तो वो बोला कि टाइमिंग को लेकर तुम लाइक कंफर्टेबल है, लाइक टाइमिंग 1 बजे से लेकर रात का 10 बजे तक होगा। हम बोला कि सारा थोड़ा हम सोचने लगा, तो वो भी लाइक डाउट में आ गया। तो हम बोला कि ठीक है कर लेगा ना। तो मेरा टाइमिंग का लाइक वो जब हमको मेरा टाइमिंग के बारे में पूछ रहा था कि लाइक तुम कंफर्टेबल है, तो हम भी लाइक थोड़ा लाइक कंफर्टेबल मतलब इतना छोटी नहीं देखिए, थोड़ा हम बोला कि सर थोड़ा टाइम दीजिए इसका सोच के बताएगा ना। तो शायद ये रीज़न है कि क्यों वो मतलब थोड़ा लड़खड़ा गया, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव आने में बहुत टाइम लगता है। तो वो भी सोचा कि अगर रात को 10 बजे छुट्टी करेगा तो फिर गुड़गांव से दिल्ली वापस कैसे जाएगा ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आने जाने का। सो ये रीज़न है कि मैं भी हमको इसका वजह से सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, हम गारंटी बोलता है मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मेरा लाइक कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरा फ्लो में जा रहा था, एकदम लाइक सिंपल क्वेश्चन था, ईजी था, एकदम डेली लाइफ से रिलेटेड था, इसलिए कोई इशू नहीं था, लेकिन मज़ा आ गया आज इंटरव्यू देख। तो गाइस ये था मेरा आज का इंटरव्यू, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से घर, और जाते जाते आप यहाँ का नज़ारा देख लो। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।